जमानत देगा तो कोर्ट ही तो देगा भाई। सीबीआई, अरे कोर्ट ही तो देगा सर जी, चलती है, आपको पता होना चाहिए। गलत है, गलत है, कोर्ट भी चलता है मोदी जी के इशारे पे। कोर्ट की मैंने तो बात कही नहीं। तो जमानत देगा तभी ना जाएंगे सर। मैं क्या कह रहा हूं, सीबीआई और ईडी कहां लेकर जाएगी? सीबीआई और ईडी कहां लेकर जाएगी? केजरीवाल साहब अंदर गए, कोर्ट में जाते हैं ना इनके वकील? इनके वकील जाते हैं सर कोर्ट में? जाते कि नहीं जाते? कोर्ट में जाते कि नहीं जाते, इसको स्पष्ट करिए ना। कोर्ट में जाते हैं कि नहीं जाते? अगर कोर्ट इनको, अगर कोर्ट जमानत देगा तो कौन रोक लेगा भाई केजरीवाल जी को? मुख्यमंत्री है। क्या नाम है सर? अनीस मलिक। कहाँ रहते हैं मलिक जी? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं। जैसे आप जानते ही होंगे कि 18वीं लोकसभा का मतलब गठन हुआ, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन नेता विपक्ष जो है राहुल गांधी को चुना गया, और राहुल गांधी जी राष्ट्रपति के संबोधन के बाद जो है धन्यवाद प्रस्ताव में अपने बातों को रख रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने कहा, मतलब अपने भाषण में, कि हिंदू जो होता है वो हिंसा करता है। पहली बात, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को ऐसा कहा टारगेट करके। जब प्रधानमंत्री उस पर आरोप लगाया तब कहा उन्होंने ऐसा? पहले तो ऐसे ही कहा। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप, खुद सोचें। उन्होंने सिर्फ पार्टिकुलर एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कहा और आरएसएस के लोगों को कहा कि क्या आप धर्म के ठेकेदार नहीं हैं? जो हिंदू है वो हिंसा नहीं करता, उन्होंने ये कहा है कि यही बात हर धर्म में है। उन्होंने प्रधानमंत्री ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया उसके बाद उन्होंने कहा है? ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री किस तरीके से धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं सब जानते हैं। प्रधानमंत्री धर्म की राजनीति करते हैं? जाहिर सी बात है। कैसे? आपने देखा नहीं अभी लोकसभा इलेक्शन में किस तरीके से उन्होंने कहा कि वो लोग आ जाएंगे कि तुम्हारा मंगलसूत्र तक जो है ना छीन लिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, किरण की राजनीति, मंगलसूत्र यानी कि वो जिस कानून के विषय में बात कर रहे थे तो वो जो है तुष्टिकरण की राजनीति, मंगलसूत्र जो है तुष्टिकरण की राजनीति पर वो बयान दिए। ऐसी बात है, उन्होंने कहा कि छीन लिया जाएगा, ऐसे कौन किसी का छीन सकता है भाई? ये देश हिंदुस्तान है और ये जो है ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं, गुलदस्ता है। तथ्य आप दे रहे हैं वो एक कानून के प्रति था कि जो जिसमें जितना जाना जाता है। सुनिए सर, हम स्पष्ट कर देते हैं, अगर कोई देता है हम कह रहे हैं स्पष्ट कर दे जो आप आरोप लगा रहे हैं। जैसे कि मोदी जी ने जो मंगलसूत्र वाली बात कही थी, इन्होंने विपक्ष वालों ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो जो जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी उतना उसकी भागीदारी होगी। मान के चलिए कि आपके पास दिया उन्होंने, आप कमा के रखे हैं मान लिया 10-20 लाख रुपया रखे हैं और कोई 20,000 लेकर रखा है और फिर आपकी कमाई में आके सरकार बांट दिया, अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने क्या कमाया है? कर्जे में डुबा दिया हिंदुस्तान। आप मुद्दे से भटक जाते हैं, फिर कैसे? मैं नहीं भटक रहा, आप भटक रहे हैं। तुष्टिकरण और मंगलसूत्र वाला कहीं भी नहीं सर, मंगलसूत्र वाला और तुष्टिकरण वाला ये दूर दूर तक इसका कोई लेना देना? देश का प्रधानमंत्री इस तरह की टिप्पणी करने लायक होता है क्या? अगर बात किसी कानून की आती है, किसी संशोधन की आती है, अगर बांटने की बात आती है तो उसमें हर प्रकार के जो है चीजें आ जाती हैं। आज से पहले क्यों नहीं कहा उन्होंने किसी कम्युनिटी को टारगेट करके किसी भी स्पीच में? गांधी के बयानों पर उन्होंने जवाब दिया था जब उन्होंने बांटने के लिए कहा था इस बार भाई, जब बांटने के लिए कहा था कि जो जिसका होगा, जो जिसका जितना धन होगा उसको बांटा जाएगा, इस पर कहा गया यार? पहले स्पष्ट तो उसको समझो तो। आप तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं फिर बांटने पे जा रहे हैं। समझ रहा हूँ, सारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप भटका रहे हैं। आखिर मंगलसूत्र और तुष्टिकरण की राजनीति में क्या वास्ता है? आप बताइए क्या वास्ता है? वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं, उसी बात पे तो आप जा रहे हो। तुष्टिकरण की राजनीति और मंगलसूत्र से क्या लेना देना? से ये बात कहेगा कैसे लोग काबिज? अभी आपने जिस विषय को लेकर छेड़ा, हिंदू मुसलमान के विषय को लेकर छेड़ा और फिर मंगलसूत्र पे आ गए, तो हम कह रहे हैं हिंदू मुसलमान और मंगलसूत्र से क्या? धर्म के आधार पे तो राजनीति कर रहे थे और क्या कर रहे थे? धर्म के आधार पे क्या राजनीति? बात ही नहीं करते। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या राजनीति? बात हुई तो उन्होंने कह दिया आरक्षण, क्या राजनीति कर रहे हैं? क्या दिक्कत है किसी को अगर आरक्षण दिया? क्या राजनीति कर रहे थे धर्म के आधार पे, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। राजनीति करते हैं कभी? क्या चीज का? एक कम्युनिटी को ही टारगेट करके वो राजनीति करते हैं और करते क्या हैं? आखिर कैसे एक्सप्लेन तो करेंगे? आप ऐसे कर देंगे कि वो टारगेट कर रहे हैं तो ऐसे थोड़ी ना माना जाएगा, मतलब किस हिसाब से? आप देखिए ना, कहीं बुलडोजर चला देते हैं, किसी के 11 घर तोड़वा देते हैं, किसी का कुछ करा देते हैं, क्या ये इंसानियत है? ऐसे तोड़वा देते हैं? कोर्ट में जाइए आप, जब गलत है पहले इंसानियत है कि? अरे सर हम कह रहे हैं गलत है तो कोर्ट में जाइए, पहले इंसान बनो उसके बाद धर्म को समझोगे। जब धर्म नहीं, आप कोई साक्ष्य देंगे जिसपे बुलडोजर चला हो गलत तरीके से? देखिए ना, वो मध्य प्रदेश में जो 13 घरों पे बुलडोजर चला, ऐसे चल गया, वो देखिए मेरी बात सुनिए ना, जिस आधार पर चला वो मिला ही नहीं,
लैब में जाने के बाद टेस्ट हो रहा है कि जी वो था ही नहीं, तो ये क्या हो रहा है? पहले चेक कराइए, उसके बाद बुलडोजर चलवाइए। कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट में केस करिए। कौन रोक रहा है? कानून सबके लिए है, संविधान है, देश स्वतंत्र है। संविधान तो आप समझ आ रहा है ना, अब मोदी जी आ रहे हैं 18वीं लोकसभा में तो संविधान को प्रणाम कर रहे हैं। अब से पहले संविधान ही नहीं था, संविधान को तोड़ने की बात होती है, लोकतंत्र को तोड़ने की बात होती है, भारत जैसे देश में लोकतंत्र को। अब आए तो मोदी जी मतलब किसके वजह से ये सब? मुख्यमंत्री को केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया सीबीआई और आरडी के दम पे। कौन डाल दिया? के दम पे कौन डाल दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता है ना, राजनीति खत्म हो। भारतीय जनता पार्टी कोर्ट है, एक मिनट सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कोर्ट है, कोर्ट भारतीय संविधान को मानते हैं। सेंटर सरकार है तो हम कह रहे भारतीय संविधान को मानते हैं, भारतीय संविधान को मानते हैं। भारतीय संविधान को भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं मानते, बाकी देश के सभी लोग मानते हैं। अच्छा, न्यायपालिका को मानते हैं? मैं बता तो रहा हूँ, देश का हर इंसान संविधान को भी मानता है और न्यायपालिका को भी मानता है। तब आप ऐसे कह रहे हैं कि केजरीवाल को बीजेपी वाले उठा के रख रहे हैं? और किसने कर रखा है? अभी देखो ईडी ने जो केस डाल रखा था, हाई कोर्ट ने जमानत दी, फिर सीबीआई ने अंदर कर दिया। क्या हो रहा है? बीजेपी वाले करा, दिल्ली वाले को परेशान, बीजेपी वाले परेशान, बीजेपी के लिए, ताकि दिल्ली वालों का कोई काम ना हो, बीजेपी वाले करा रहे हैं। आप स्पष्ट करा रहे हैं, बीजेपी वाले करा रहे हैं, करा रहे हैं बीजेपी वाले केजरीवाल जी को। ईडी और सीबीआई पूरा दुनिया जान रहा है केजरीवाल जो है बीजेपी वाले के इशारे पे, बीजेपी सब जानता है जी, बीजेपी के इशारे पे सारा काम हो रहा है। न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं कि नहीं? विश्वास है, न्यायपालिका ने तो हमें दिया जी जमानत, और सीबीआई को फिर भेज दिया, सीबीआई फिर उठा के ले गया। तो भाई उनको जमानत कौन देगा? सीबीआई जमानत बीजेपी देगी या न्यायपालिका देगी? न्यायपालिका देगी। तो फिर क्यों नहीं ले ले? तो सीबीआई इतने दिन से बैठी क्यों थी? अरे भाई, जब ईडी जब लेकर गया, ईडी जब लेकर गया और जब जो है सीबीआई लेकर गया, आप कोर्ट में गए, आपको जमानत क्यों नहीं मिला? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक बकरे को कितने बार हलाल करोगे? जब केजरीवाल, जब आप न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं, जब आप न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं, भारतीय संविधान पे भरोसा करते हैं, तब डायरेक्ट आरोप आप किसी पार्टी पे कैसे लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? या तो आप न्यायपालिका को नहीं मानते, फिर क्यों नहीं मानते? तब कैसे आप आरोप लगाएंगे बीजेपी? न्यायपालिका ईडी से क्या कनेक्शन है न्यायपालिका का? क्यों नहीं? अरे जमानत देगा तो कोर्ट ही तो देगा भाई, अरे कोर्ट ही तो देगा सर जी। चलती है, आपको पता होना चाहिए। गलत है, कोर्ट भी चलता है मोदी जी के इशारे पे? कोर्ट की मैंने तो बात कही नहीं। तो जमानत देगा तभी ना जाएंगे सर? सीबीआई और ईडी कहाँ लेकर जाएगी? सीबीआई और ईडी कहाँ लेकर जाएगी? केजरीवाल साहब अंदर गए, कोर्ट में जाते हैं ना इनके वकील? इनके वकील जाते हैं सर कोर्ट में? जाते हैं कि नहीं जाते? कोर्ट में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, इसको स्पष्ट करिए ना। कोर्ट में जाते हैं कि नहीं जाते? अगर कोर्ट इनको, अगर कोर्ट जमानत देगा तो कौन रोक लेगा भाई केजरीवाल जी को? मुख्यमंत्री है, मिलेगी। हाँ तो मानिए उसको कि हाँ, जब जमानत मिलेगी। हार हुई है क्या सत्य की? कभी हार हुई है क्या? कह रहे हैं अगर जमानत मिलेगी तो केजरीवाल जी को बाहर आना चाहिए। हम कह रहे हैं केजरीवाल जी को अगर जमानत मिलेगी तो बाहर आएंगे ही।